आप सबका स्वागत है। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के 8 नवंबर की श्रवदान की, और परमात्मा को, पिता को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को अगर हम अपना साथी बना लें, पॉसिबल है क्या साथी बनाना? क्योंकि अगर किसी को हम साथी बना लेते हैं और अगर वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है तो आपको बहुत हल्का फील होता है। आपका साथी अगर बहुत नामी ग्रामी हो, बहुत जान पहचान वाला हो, तो आप बिल्कुल आराम से ठाट से बैठे रहेंगे और आप बिल्कुल मौज में चलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। इसी तरीके से अगर भगवान को अपना कंपेनियन बना लेते हैं, कोई भी सिचुएशन आए, कैसे भी व्यक्ति आए सामने, उसको कैसे हैंडल करना है, कौन से गुण कौन सी शक्ति से हैंडल करना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर उसमें हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। परमात्मा ऐसी शक्ति है, इतनी पवित्र शक्ति है कि हमारे अंदर अगर अपवित्र संकल्प भी उत्पन्न हो रहे हो किसी सिचुएशन और किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो भी वो साफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको अपना कंपेनियन बना लें। या तो उनको अपना कंपेनियन बनाए, या अपने अंदर के जो रावण है, जो शैतान है, उसको अपना कंपेनियन बनाए। उसको हमने बनाकर ही रखा हुआ बहुत समय तक। अब समय आ गया कि हम उस शैतान को, उस रावण को छोड़ें। शैतान रावण है आपके अंदर का अहंकार, मेरे अंदर का अहंकार, आपके अंदर की ईर्ष्या, मेरे अंदर की ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, बेलापन, जो कुछ भी है हमारे अंदर जो पनप रहा है, वो ही शैतान को अगर हमने अपना साथी बना के रखा है तो दुख दुख नहीं जाएगा और पास आएगा। और अगर परमात्मा को अगर हम अपना साथी बना लें तो गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ताकि सबका भला हो, सब शांत रहे, उस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है ताकि वो भी शांत रहे और मैं भी शांत रहूं। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि आज का हम वरदान सुने, जिसमें कहते हैं परमात्मा, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव, कहते हैं ना कॉम्बो पैक, कॉम्बो पैक कहे या आजकल तो हर चीज में आता है, आपके खाने भी आ जाता है, खाने में भी कॉम्बो मिलते हैं, बर्गर्स के साथ फ्राइज कॉम्बो। तो यहाँ पे परमात्मा बर्गर और फ्राइज नहीं है, परमात्मा हमारे साथ कॉम्बो में है, तभी कॉम्बो में रहेंगे जब हम उनको याद करेंगे और उनसे पूछते रहेंगे कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। जैसे हम अपने साथी को पूछते ना, साथी ये सिचुएशन है, मैं क्या करूं, परमात्मा भी एक साथी कंपेनियन बना दे और उनसे पूछे कि इस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या रिस्पॉन्ड करूं। और फिर जा करके हमारे अंदर धैर्यता आती है और हम अपने आप को रोक पाते हैं, हम अचानक से जवाब नहीं देते। तो परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चों ने बाप को, मतलब परमात्मा पिता, किसका बाप, आत्मा का बाप, फिजिकल बाप नहीं है वो, कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते, वो एक प्रकाश है, एक लाइट है, इनफिनिट बीइंग है, बियॉन्ड टाइम और स्पेस है, ऐसी जगह पर रहते जहां पे समय भी नहीं है और वहां पे आकाश तत्व नहीं है, ब्रह्म तत्व है। उसको अनेकानेक धर्मों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने निर्वाण धाम कहा है, किसी ने ब्रह्मलोक कहा हुआ है, किसी ने आलम अरवा कहा है उर्दू में। तो ये जगह है जो कि परमात्मा वहाँ रहते हैं और हम उनको अपने साथ कंबाइंड महसूस कर सकते हैं एक सेकंड में, अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। प्रैक्टिस है ये, जैसे कि हम किसी साथी को याद कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम पड़ती है, अरे हाँ मेरा वो साथी, उसको मैं फोन करना है, वो याद आ जाता है, लेकिन परमात्मा याद आता नहीं आता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें एक हैबिट बनानी है, एक आदत बनानी है, और जिससे प्यार होता है, जिस पर भरोसा होता है, वही याद आता जाता है। आज हमें इंसानों पर ज़्यादा भरोसा है, परमात्मा में कम, लेकिन परमात्मा के ऊपर ज़्यादा भरोसा हो जाए तो ऑटोमेटिकली उनके द्वारा जो इंसान मिलेंगे वाइब्रेशन वाले, शक्ति वाले, वो ऑनेस्टी वाले, वो प्योरिटी वाले, तो फिर मजा ही और कुछ रहेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं आगे, ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। ब्राह्मण जीवन मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब वो नहीं कि आपने जीवन पहना हुआ और आपने वस्त्र पहने तो वो व्यक्ति है जो कि साधारण कपड़ों में भी परमात्मा की याद में है और अपने कर्मों की याद में और अपने पिछले जन्मों का उसको ज्ञान है, वो ब्राह्मण। ये ज्ञान आपको ब्रह्म कुमारी से मिलता है, जहाँ पर ब्रह्म
सरस्वती, तो जगदम्बा मतलब चक्की माँ हो गई और ब्रह्मा हो गए पिता, एडम एंड ईव। अब एडम और ईव के नाम से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाम से ही ब्रह्मा कुमारी, तो हर कोई एडम और ईव का बच्चा अगर है तो आप भी ब्रह्मा कुमार, आप भी ब्रह्मा कुमारी हो गए, चाहे माने ना माने। लेकिन हाँ, ये चीज को और गहराई से समझ रहे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके समझ सकते हैं, निःशुल्क और कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से जाके सीख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा हर रविवार का सेशन 5 बजे से लेकर 6 बजे तक या 6:15 तक आप सुन सकते हैं जूम पर लाइव। उसके लिए नीचे दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ओम शांति।